आप सभी सोशल और फ्रेटर्निटी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सभी को सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारा अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे दो चीज़ के बारे में। पहली कि काडा क्या है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और इसका क्या फंक्शन है, और यहाँ पे सोशल वर्क के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ काडा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर गवर्न होता है। तो बेसिकली इसका क्या काम है वो हम पहले समझेंगे, और ये सोशल वर्क फ्रेटर्निटी के लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी जानेंगे, और यहाँ पे अभी इस वक्त कौन सी वैकेंसी आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। वी नो अबाउट द वाट इज काडा, देन आफ्टर वी नो अबाउट द वाट इज द इट्स इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क फ्रेटर्निटी एंड वाट आर द करेंट जॉब जॉब नोटिफिकेशन है इन द काडा ऑर्गेनाइजेशन। तो काडा इज बेसिकली द सेंट्रल एडोप्टेशन रिसर्च अथॉरिटी। इट्स फुल फॉर्म इज दिस, एंड इट्स द स्टेचुटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फंक्शन एज द नोडल बॉडी फॉर द एडोप्शन एंड द इंडियन चिल्ड्रेन इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडोप्शन। काडा इज द डिजाइंड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द इंटर कंट्री एडोप्टेशन इन द ब्रंच विद द प्रोविजन ऑफ द हीज कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडोप्शन 1993 रेक्टिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। काडा प्राइमली डील विद द एडोप्शन ऑफ ऑर्फेन abandoned and the surrendered children through its associated recognized adoption agency. तो बेसिकली कारा क्या करती है, मेनली इसका काम है जो इंडिया और इंटर कंट्री, यानी कि इंडिया में इंडिया से ही और इंटर कंट्री और इन कंट्री के बीच जो भी एडोप्शन को लेके जो भी रेगुलेशन है उसको मॉनिटर करना, उसको 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 देखना, बेसिकली ये काम है। तो यहाँ पे जो जो भी चिल्ड्रेन, जो भी ऑर्फेन है या फिर जो सेल्फ सरेंडर्ड चिल्ड्रेन है जिसके पेरेंट्स उनको लगता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से किसी तरह से उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही एजुकेशन, उसके राइट्स को नहीं दे पा रहे, बेसिक जो भी उसका सुविधा है, तो वो बच्चे सरेंडर्ड बच्चे होते हैं। और यहाँ पर उन तरह के बच्चों का जो एडॉप्शन है वो किया जाता है, इंटर कंट्री भी हो सकता है, कंट्री के विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है। तो बेसिकली ये चाइल्ड एडॉप्शन पे काम करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे ये गवर्न होती है। तो और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये सोशल और फर्टर्निटी क्यों जरूरी है। ऐसे जो भी चिल्ड्रेन, जो भी स्टूडेंट जो कि सोशल और फर्टर्निटी से जुड़े हुए हैं और उनका काम है, उनका लाइफ का ये है कि उन्हें बच्चों के साथ काम करना है, बच्चों में भी अगर उन्हें लगता है चाइल्ड के जो एडॉप्शन है उस पर काम करना है, तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सारा यही काम होती है। पूरे इंडिया और आउटसाइड द इंडिया में जितने भी एडॉप्शन है उस पर काम किया जाता है। तो बेसिकली ये ऐसे सोशल और फर्टर्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जो चाइल्ड एडॉप्शन पर काम करना चाहते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल और फेडरेंटी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ काडा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और यहाँ पे इसमें आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं क्या कुछ नया रूल है, रेगुलेशन है, क्या एक्ट है, एक्ट क्या कहती है, इसका होम पेज पे रोल कैरेक्टर, जो आप अगर कोई बच्चा कोई अडॉप्ट करना चाहता है चाइल्ड को तो उसको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू सारा मॉनिटर होता है। एंड दिस इज ऑल्सो द पेज ऑफ द वैकेंसी जहाँ पे चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम के अंडर आप जाके यहाँ पे वैकेंसी के पेज पे, रिसोर्स के वैकेंसी के पेज पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है सोशल और फर्टर्निटी के लिए, अप्लीकेशन सॉट फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस पोस्ट इन डिप्टेशन बेसिस इन काडा, एंड द स्टार्टेड डेट इज 23rd of April 2022, एंड द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द अप्लीकेशन इज 23rd of May 2022। यू कैन गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू कैन अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट। दिस इज़ अ करेंट जो नोटिफिकेशन है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी विच डील विद ऑल मैटर कंसर्निंग चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया अब्रॉड रेगुलर अर्जेंट रिक्वायर्स द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द डिप्टेशन बेसिस ऑन फॉरेन सर्विस टर्म इनिशियली फॉर द 1 year एक्सटेंडेबल अप टू 3 years। तो दिस इज़ द ऑल द रिलेटेड जॉब वैकेंसी विच इज नाउ ओपन इन द काडा ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर का वन पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का दो पोस्ट, इंटीग्रेटेड फाइनेंस ऑफिसर वन पोस्ट, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट वन पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर थ्री पोस्ट, कंटेंट मैनेजर वन पोस्ट, अकाउंटेंट वन पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट वन पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर वन पोस्ट एंड द हिंदी टाइपिस्ट इज वन पोस्ट। दीज आर द लिस्ट ऑफ द जॉब वैकेंसी विच इज ओपन इन काड़ा ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव टुवर्ड द जॉब वैकेंसी विच कैन बी फिल्ड बाय द सोशल वेलफेयर आइडेंटिटी एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वी विल चेक द ईच एंड एवरी क्राइटेरिया रिलेटेड विद दोज वैकेंसी। द एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ अपर डोसेस एंड द लास्ट फाइव ईयर। एंड आफ्टर द अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लीकेशन यू मस्ट हैव द कम्प्लीट अप्लीकेशन हार्ड कॉपी इन ऑल रिस्पेक्ट शैल बी सेंड टू द मेंबर सेक्रेटरी। वहाँ पे आपको यहाँ एड्रेस दिया गया उस पर भेज देना है विद इन द 30 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करके इसको फिर हार्ड कॉपी ऑफलाइन में इसको भेज देना है। अप्लीकेशन रिसीव्ड इन कम्प्लीट थ्रू द ईमेल और आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी इंटरटेन एंड द काड़ा रिजर्व द ऑल राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल अप्लीकेशन पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। दीज आर द सम इंफॉर्मेटिव वीडियोज। नाउ लुक towards the some criteria which is related with the post which can be filled by the social worker. First vacancy which can be applied by the social worker is the name of the post is deputy director program and the number of vacancy is only one and the age limit is 56 year up to DOPT guidelines. Pay in the pay matrix is level 11 which is from 67,700 टू 2,08,700। यहाँ पे लेवल 11 का पे मैट्रिक्स का यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफिसर अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूटी यूनिवर्सिटीज एंड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेमी गवर्नमेंट स्टैचुटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन में एंड उनको कम से कम यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स है वो कम से कम 10 के पे मैट्रिक्स पे काम कर रहे हो। इस तरह से क्राइटेरिया दिया गया है कि कम से कम लेवल 7 पे और 8 पे या फिर लेवल 10 पे किस तरह का जॉब वैकेंसी पे वो काम कर रहे हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं। उनका कम से कम 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए इस सब पे बैंड के सैलरी पे। हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब अंडर एंड द एजुकेशन, ये एक्सपीरियंस की बात होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी ऑफ द सोशल साइंस, सोशल वर्क, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी एंड द 10 years ऑफ सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी एंड ऑटोनॉमस बॉडी, इंस्टीट्यूशन, PCU, ETC। यानी कि यहाँ पे ऐसे सोशल वर्क की फ्रेटर्निटी जो कि 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि एक्सपीरियंस अगर चाइल्ड वेलफेयर को लेके या फिर ट्रेनिंग एंड रिसर्च या फिर किसी NGO में है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जिसको कि सोशल और फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकते हैं वो है पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी इज 3 एंड द एज लिमिट इज 56 ईयर अप टू 56 ईयर एंड द पे मैट्रिक्स विल बी लेवल 10 एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एनी पर्सन हु इज ऑन डिप्टेशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट यूटी यूनिवर्सिटी और एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक डेट और PSU एंड हैविंग मस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन दिस पे बैंड एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी ऑफ सोशल साइंस, सोशल वर्क, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंड द 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कम से कम MSW प्लस 8 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस इन चाइल्ड वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज इन एनी सोशल सेक्टर और एनी NGO सिनारियो। These are the essential qualification. These are the 2 vacancy which can be filled by the social worker entity. एक में आपको यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस है और एक में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देर आर लॉट ऑफ वैकेंसी जो कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, अगर आप उसको फिलफिल करते हैं तो आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। लाइक हिंदी टाइपिस्ट इस तरह का दिया गया है।
या फिर आप किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं जो कि इसको इसके लिए एलिजिबल है। दीज आर द परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए यहाँ परफॉर्मा दिया गया है, उसको आप डाउनलोड करें, उसको फिलअप करके उसको फिर अप्लाई कर देना है। मोर डिटेल के लिए आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये आप इस तक पहुँच सकते हैं। दिस इज़ द पेज ऑफ सोशल वर्क रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे आप बहुत सारा जॉब वैकेंसी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है, साथ ही कई सारे इवेंट को लेके मैं नोटिफाई करती रहती हूँ, तो इस पे बने रहिए फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर दिस।